हेलो ऑल, हम लाइफ में बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं कि हमें एक अच्छे दोस्त मिले, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स मिले, लेकिन हमें बार बार धोखे लगते रहते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ गलत करते हैं। हम उदास हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर हम कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि मुझे इसके बाद किसी भी तरह के फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, मैं अकेला रहूँगा, अकेला चलूँगा, मेरे अपने रूल्स होंगे और मुझे दोस्ती नहीं करनी है। हम नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे समय पर जब आपको लगता है कि आपको बार बार नेगेटिविटी आ रही है, आप अपने मन को भी समझा नहीं पा रहे हैं और बार बार धोखे लग रहे हैं, तो ऐसे समय पे क्या करना है? इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगी एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से कि आप अपने आप को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये अंदर के मन को, दिमाग को कैसे समझा सकते हैं। और वीडियोस और चीज़ों से लिंक रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हम और आप और ज़्यादा बातें करें और ज़्यादा नए टॉपिक्स पे आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करें, और मैं आपको कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन में कुछ चेंजेस के माध्यम से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करूँगी। तो आज हम बात कर रहे थे कि अगर आपको ज़्यादा बार बिट्रेयल्स हुए हैं, बार बार धोखे लगे हैं, तो आप कैसे अपने आप को बूस्ट करेंगे और क्या ऐसा करें कि आप इन नेगेटिव से दूर रह सकें। एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए, मैंने एक दिन अपने नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम करके नेल पेंट लगाया। जिस दिन मैंने नेल पेंट लगाया, अच्छा क्वालिटी का था, सब कुछ अच्छा था, मैंने चेक करके उसे लिया था, लेकिन उस दिन जब मैंने उसे लगाया, एवरीबडी अप्रिशिएटेड, हर कोई आया, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे उसके साथ बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ, मैंने बहुत अच्छा फील करने की कोशिश की और सब चीज़ें बहुत अच्छी चली। लेकिन कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरे नेल्स गंदे लगने लगे, मुझे टाइम नहीं मिला है उसे वो करने का, और फिर लोगों ने भी आके बोलना शुरू किया कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, गो फॉर इट, रिमूव इट। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें दोबारा से रिपीट हुई, मैंने फिर एक नेल पेंट लगाया, उसे रिमूव नहीं किया, वो नेगेटिव हुआ। ऐसे ही लाइफ में हमारे फ्रेंड्स हैं, जब वो आते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन, कोई भी चीज़, कोई भी सक्सेसफुल, यू कैन से एनी एम ऑफ योर लाइफ हु कम इनटू, कोई प्रमोशन है, कुछ भी है, जब वो स्टार्टिंग में आती है ना, वो चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आती है। तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अप्रिसिएशन मिलती है, तुम्हें वो काम करने में मज़ा आने लगता है, दोस्ती निभाने में मज़ा आता है। लेकिन धीरे धीरे वो स्टे ऑन करती है, फिर वो धीरे धीरे जब उतरने लगती है तो आपको पेन देने लगती है। लोग आपको बोलने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके दोस्त क्यों छूट रहे हैं, शायद आपको दोस्ती निभानी नहीं आती, शायद आपको सक्सेस के राह पर चलना नहीं आता, शायद आप लाइफ की वे ही गलत चूज़ कर रहे हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिप्रेस होके बैठ जाओ। अगर मैं उन गंदे नेल्स के साथ डिप्रेस्ड होके बैठ जाऊं और उसको दोबारा से रिमूव करके नए तरीके से कोट आउट करने की कोशिश ना करूं, तो शायद मैं उसी नेगेटिविटी के दलदल में फंसती चली जाऊंगी, मैं शायद उससे बाहर निकलने की कभी कोशिश ही नहीं करूंगी। सिमिलरली हम लोग करते हैं जब हम डिप्रेस हो जाते हैं। शायद ये एग्जांपल एक नेल पेंट का है और मैं आपको कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बता रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मूव ऑन। अगर आप उस पुरानी चीज़ को उतार कर, रिमूव कर कर, भूल कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप उस नेगेटिविटी के सर्कल से निकल ही नहीं सकते। तो ज़रूरी क्या है कि आप मूव ऑन करें। अब मैम, आपने बोल तो दिया मूव ऑन करो, लेकिन मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है। दीज आर द रिलेशनशिप्स जिन्होंने मुझे कुछ समय बहुत हैप्पीनेस दी, मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया, और मैं मूव ऑन कैसे कर लूँ? हर रिलेशन, हर चीज़ इस ज़िंदगी में मूव ऑन होने के लिए ही है। जो चीज़ यहाँ आती है वो जाती है। सो डोंट थिंक कि उन्होंने मेरे साथ गलत क्या किया। थिंक फॉर पॉजिटिव्स दे हैव गिवन यू। चाहे वो घर पे आने वाली एक छोटी सी काम वाली बाई क्यों ना हो, और दूर से दूर आपके बॉस, आपके रिलेशनशिप्स और क्या सब ना हो, हर चीज़ ने आपको पॉजिटिव क्या दिया, क्या लेसन सिखाया, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, रादर देन ये सोचने के लिए कि क्या नेगेटिव कर गए, क्या गलत कर गए, पता नहीं कैसे अब मैं दोबारा से निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। गो एंड थिंक फॉर दी पॉजिटिव्स दे हैव गिवन यू। मेक अ डायरी, एक नोट बनाएं, उनका नाम लिखें, उस रिलेशनशिप का नाम लिखें, ये देखें कि वो कितने दिन आपको खुशी के दे गए, और उन खुशियों में मूव ऑन करने की कोशिश करें। और ऐसे बहुत सारे और टॉपिक्स पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्यूशंस ले सकते हैं। आई एम हेयर टू बूस्ट यू, टू मोटिवेट यू।
आपको सिखाने के लिए कि आप जब जब लाइफ में गिरें तब तक कैसे उठ सकते हैं। मैं डॉक्टर नेहा मेहता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से अटैच्ड हूँ। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप प्लीज़ उनको मेरे तक पहुँचाइए। आप यहाँ कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको मेरे सारे डिटेल्स मिलेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पर्सनल विजिट्स, आप किसी भी माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी अच्छी मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन टूस को, अपने कजिन्स को जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, और कोशिश करें उनमें कॉन्फिडेंस लाने की, बिकॉज इट इज़ अ सर्कल ऑफ पॉजिटिविटी। आप आगे पॉजिटिविटी देंगे तो आप तक ज़रूर वापस आएगी। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी एंड स्टे बूस्ट अप। थैंक यू।